वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत टाइम हो गया होगा मुझे आपको थैंक यू दोस्तों। तो मामी जी अभी आराम से धूप सेकने में बिजी हो रखे हैं। सच यार मनिका को कितना बोल रही हूँ कि यहीं रुक जाओ यहीं रुक जाओ, लेकिन हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल सुमन सोनी ब्लॉग पे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज सीधे दिन के 12 बजे से, और क्योंकि अभी सुबह से हमारा नाश्ता पानी यही हो रहा था और अभी जाके काम फिनिश हुआ है और फिर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं अब, क्योंकि आज हमारे यहाँ आ रहे हैं कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, आपसे भी ज़रूर मिलवाएंगे और बस उसी की तैयारी में लगे हैं। अब खाना पीना बनाते हैं जल्दी से। और आजकल 2-3 दिन से मैं ब्लॉग ही नहीं बना पा रही थी क्योंकि ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक्चुअली मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो मम्मी एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पाया कुछ भी और मन भी नहीं कर रहा था। तो अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो तो अपने आप हो ही जाता है, फ़ोन पकड़ने का मन भी नहीं कर रहा था, तो उस वजह से मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। तो आज थोड़ा सा कुछ रिलैक्स फील हो रहा है और मेहमान भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना चलो आज ब्लॉग की शुरुआत भी की जाए और जो खास मेहमान आ रहे हैं उनसे भी आपसे मिलवाया जाए। तो अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो आज मैं खाने में बना रही हूँ घर की मिक्स दाल। और बस अभी मेरी दाल उबल रही है तो मैं करती हूँ पहले खाना बनाने की तैयारी। और बहुत दिनों बाद आज मैं पापा जी से भी मिलवाऊंगी आपको, क्योंकि बीच में जब से हम गांव से आए हैं तब से मैंने कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किया। वो हरिद्वार वाला गया था तो वो उस दिन पापा हमारे साथ नहीं आए थे, तो मैं मिलवाती हूँ पापा जी से भी बहुत टाइम बाद। पापा भी आजकल बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मतलब सभी परेशान थे घर पे, तो उस वजह से मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो पापा कल लगूँ आज थोड़ा सही लगूँ, रात में मान लिया ना आज कुछ खास बनेगा घर में पकवान। पापा जी बोल रहे हैं कि आज तो मंगलवार है तो कुछ अच्छा सा बनेगा, मीठा भी बनेगा कुछ, तो अब करती हूँ मैं खाना बनाने की। तो दोस्तों मैंने खाने में बना रखी है आज घर की दाल, टेस्टी टेस्टी। ये है दाल मेरी, ये मिक्स दाल है घर की, इसमें हरी सब्जी और इसमें चावल पक रहे हैं, अभी अभी तैयार हो रहे हैं दोस्तों। तो अभी हमारा खाना पीना भी हो गया है और हमारे मेहमान भी आ गए हैं। अब मेहमानों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो उस वजह से खाना खाने के बाद हम सीधे छत में आ गए। तो लाडो को अभी डांस करना है, करना है लाडो डांस, किस गाने में करना है आपको डांस? और काव्य, ये है हमारी छोटी सी काव्या रानी, काव्य को भी डांस मिलेगी। कौन सा गाना है वो, बारिश वाला? ए जी लगाओ जरा, हल्की हल्की सी बरसात आ गई। अड़ा फोन में लगा, तो इन दोनों को डांस करना है और इनको गाना पसंद आ रहा है कि हल्की हल्की सी बारिश चल रही है, तो भगवान जाने कौन सा गाना है। तो आज आ रखे हैं मामी और आ रखे हैं आज। तो दोस्तों ये है हमारी मामी जी, मामी जी से मैंने आपको पहले भी मिलवाया था और आज मामी जी हमें मिलने आ रखे हैं यहाँ। और यहाँ पे मौसी जी भी बैठे हुए हैं, मौसी जी भी आ रखे हैं, मम्मी के साथ बैठे हुए हैं। और छोटा बाबू भी आ रखा है, और छोटा बाबू अभी सो रखा है, छोटे बाबू से मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी। तो अभी काव्या और लाडो को करना है डांस है। तो दोस्तों अभी काव्या और लाडो डांस करेंगे और मैं दिखाऊंगी आपको काव्या और लाडो।
अच्छा मोनिका, तो बहुत दिन बाद आज यहाँ आ रही है, कैसे लग रहा है? अच्छा। मिलके कैसे लग रहा है मेरे से, सबसे अच्छा लग रहा है। बोलो यार, अच्छे तभी बोल मिनके लेने मोनिका बिने ब्याह तो मैं खाना ब्याह तो ना ला ब्याह तो के को जिंदा को ना सब है गुप्त काशी ब्याह तो गुप्त काशी सब जगह भेज दूँ। हाँ हाँ विदेश ब्याह तो ये है मोनिका, मेरी सबसे छोटी देवरानी, बहुत दिन बाद आ रही है आज यहाँ। और ये लाडो के पापा जा रखे थे अकेले अकेले घूमने के लिए मार्केट, कैसे तो इनका मन करता है अकेले घूमने का। है लाडो के पापा ताऊ नमस्ते, बस नमस्ते। ये हमारे कालू काली, बहुत दिनों बाद आज कालू काली से भी मिला रही हूँ आपको। आजकल कालू काली थोड़ा कमजोर हो गए है ना, है काली? कालू, कालू और ये काली। हाँ ये है कालू और ये काली। क्या हुआ, खराब हो गया गेट? आज मैं स्पेशल यहाँ खुली गई छा मैं खिले क्या भाई है क्या भाई ये। अच्छा डील हुए 100 गेट हैं। छुटकू बाबू, आयांश, आयांश बेबी, हो गया डाइट? शिवांश हुआ है लॉकडाउन में, जैसे खुशी भी लॉकडाउन में हो रखी है, तो मामी बोल रहे हैं कि इसका नाम हमने रखा है लॉकडाउन। लॉकडाउन रख लो शिवांश का नाम। सैनिटाइजर बार बार उड़ी टक कर शिवांश की। अच्छा तो आप लॉकडाउन में हो रहे हो? अच्छा किसका नाम है लॉकडाउन बेटा? पिंक वाली ना। हाँ ये पिंक वाली है, सो ना ऐसा बोल मेरा नाम लॉकडाउन बोल। आपका नाम लॉकडाउन है? देख आपके दोस्त आ गए, देख क्या है तेरा नाम। खुशी बेटू, खुशी, खुशी आपका दोस्त है आपसे 1 महीने बड़ा। ये दोनों के दोनों हो रखे हैं लॉकडाउन में, शिवांश और खुशी। ये है दीदी का छोटा सा बाबू। दीदी मेरा क्यूटी छोटे तेजू, अरे उठ जा छोटे तेजू। अभी वो उंडी सी है, उठ जा उधर घुस जा। देख मैं उठा रही हूँ, देख खुश खुश रियल वाला बाबू है, जैसे आप बोल रहे थे ना मुझे बाबू चाहिए, तो देखो आ गया आज सीधे बाबू, डिमांड किए बाबू आ गया। खुशी कन्फ्यूज हो गई कि मेरे सोने के बाद ये छोटा सा बाबू कहाँ से आ गया। अरे उन्हें लगना वो तो गुड्डे सी मेरी जीवन उन्हें क्या किला रखा है ऐसे सो रखा है वो, बिल्कुल कुछ भी करो वो हिल नहीं रहा। आप रोने लग गया, खुल गई नींद अब। दो घंटे से सो रखा है तेरा धानी यार, अभी भी तू बोल रही है कि सोने दो उसको। अरे तो मतलब गरम लगने थे, गरम लगना था रात भी तो उठो। क्या पसोरी सी आ रहा है ए भाई, रात में कौन रहता है?
देख सही देख बुआ ने पकड़ा। अरे अभी वैसे क्यों उठी ना था बाबू मेरे पाँच मेरा छोटा छोटा कुत्ता बाबू वो पहली बार ऑटो में भी है ना तभी वे बोल छोटी बोतल पर पानी दिया बोला खुशी खुशी क्या कहाँ है छोटा बाबू छोटा बुल्ला है वहाँ पे छोटा बुल्ला कहाँ है छोटा बुल्ला खुशी सो के उठ चल एक बार पकड़ो ना करो इन खर्चे में यार भाई सब क्या तो वो बड़े मेरा बोला यार भाई तुम चिकन हुई हुई मेरे को अरे बोली आओ ये देखिए यार ना देखे अरे एकदम बढ़िया हो बढ़िया तो कौन उधर दे मैं जब दर्द है गोल खाना चलो तो ठीक रहा हूँ अच्छा दर्द है गोल नहीं खाना चलो और मोनिका भी आ रही क्या है हेलो मोनिका मोनिका अभी गाने सुनने में बिजी हो रही है सपना तो इंस्टाग्राम में बिल्कुल आज तेल इंस्टाग्राम में व्यस्त हो रही है सपना तो ये है छोटा सा ये हमारे घर आया हुआ छोटा सा मेहमान तेजू का बेटा है ये हमारा बेटा हम सबका इसका नाम है आरुष और इसको इसके दादाजी प्यार से बोलते हैं क्या बोल रहे मामा आर्यन आर्यन गुथनी गोगला दानी पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं उसके गुन्नू तो प्यार से इतने नाम रखे हैं छोटे बाबू के और अभी जब से ये आया है इसको आए हुए कम से कम 2 घंटे हो गए और अभी तक सो रखा है ये दिन भर सोया रहता है और रात भर रोता रहता है उठा रहता है अपने दादा दादी मम्मी पापा को जगा के रहता है रात को रात भर सो दादा दादी को सोने नहीं देता और अभी आराम से सोया हुआ है घोड़े बेच के और बच्चा पार्टी भी खेलने में बिजी हो रखी है अभी चुटकू आपका नाम क्या है क्या है आपका नाम क्या है बेटा आपका नाम गुन्नू उसका मतलब जो ओरिजिनल नाम होगा आयांश ये है छोटा सा आयांश हेलो आयांश आयांश है आपका नाम फिर मैं ना आपके पापा मम्मी सबको वीडियो शेयर करूंगी फिर सब बोलेंगे आयांश देहरादून जाके क्या मस्ती कर रहा है बाबू शर्म आ रहा है और ये है आयांश की दादी जी हमारी मौसी जी तो मौसी जी भी आ रखे हैं आज मम्मी को देखने के लिए मम्मी से मिलने के लिए आजकल मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी अभी भी खराब ही चल रही है तो आज थोड़ा मम्मी धूप में आ रखे हैं अभी माँ कंची तबीयत देख सही देख बुआ ने बुआ ने पकड़ा अरे अभी वैसे क्यों उठी ना था देख मेरे बाबू मेरे पाँच मेरा छोटा छोटा मेरा कुत्ता बाबू हेलो
अभी चल रही है शाम की चाय, अभी हो गई है हमारी शाम की चाय और अभी सब बैठे हुए हैं। अरे क्या की लड़ाई हो रही तुम्हें भी? छोटा बाबू भी सो रखा अंदर, सांस रोक के आंख बंद करके। तो हमने भी खेला है पर सांस रोक के नहीं खेला भाई। क्या दिमाग लगा थोड़ा, कौन से लोग कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं? क्या हो रहा है, क्या लड़ाई हो रही है? आंटी छोड़ दी। आज पूरे घर में बच्चे ही बच्चे नजर आ रहे हैं, इतने सारे बच्चे हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा, आगे घूम नहीं रहे कि कोई इधर उधर तो नहीं हो गया। अरे आज अभी हम छत पे थे, मामी और आ रखे थे, और हम अभी जैसे ही हम चाय पीने के लिए नीचे आए, सबके सब बच्चे भी मस्त हो रखे हैं खेलने में, तो अचानक से डुगू और किरण आ गए और हो गई हमारी शाम सुहानी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत टाइम हो गया होगा मुझे आपको इस ब्लॉग में देखते हुए, तो ये हूँ मैं डकना, और ये हमारी किरण, वही ये है किरण डकना। और अभी मत करो किरण, किरण से मिलवाती हूँ मैं आपको। दोस्तों जिस दिन पटवारी का एग्जाम था उस दिन किरण का फोन आया, भाभी मैं अभी आ रही हूँ, मेरे लिए चाय बना के रखो। मैंने चाय बनाई 3 बार गरम की लेकिन चाय पीने वाली नहीं आई। गाइस ये बना रही फोन कर रही, पटवारी साहब हमारा फोन मैंने बोला पटवारी साहब फोन उठाओ, पटवारी साहब वहाँ व्यस्त हो रखे हैं कि मुझे बस टाइम ही नहीं है पेपर जाने, पेपर देने जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला इनको। भाभी भाभी भी नहीं गई पेपर देने, मैंने कहा जब किरण नहीं जा रही तो मैं नहीं जा रही। अरे अभी तो ये बात है, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। अभी डुगू भी है, मोनिका भी है, मेरे सामने कैमरा रखा मैं बड़बड़। अभी मोनिका भी है, सपना तो परमानेंटली है, किरण भी है और डुगू। डुगू यार कैसे गया एग्जाम? एग्जाम मेरा था ही नहीं पर बहुत अच्छा गया। तो दोस्तों आज मैं अपनी बुआ को देखने के लिए, बुआ की जन्मदिन इधर हो रही थी, मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन की हो गई थी और हम उनको देखने आए हैं। अब बुआ थोड़ा सा ठीक है, अब बस आप लोग भी प्रे करना कि बुआ जल्दी से ठीक हो जाए। इसीलिए 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, मैंने मतलब पहले बता भी दिया है कि मतलब मम्मी की तबीयत खराब थी, तो उस वजह से मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो ब्लॉग क्या फ़ोन पकड़ने का मन भी नहीं कर रहा था, तो ऐसे में ब्लॉग कैसे बनाती मैं, तो उसी वजह से परेशान थे तो इसी से ब्लॉग नहीं आ पाए। उसी वजह से आज सब मम्मी को मतलब मिलने आ रहे थे, किरण और भी मामी और भी। मामी ये ठंड में कक ले जा रहा, कितना बोल रही हूँ कि यहीं रुक जाओ यहीं रुक जाओ, लेकिन क्या करते हैं जाना बाय बाय गाइस, हम जाने बैठ गए। ये बिना और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, मैं इनको बोली भी, मेरे का छोटा भी है साथ में, रुक जाओ लेकिन नहीं, ज़्यादा इसी में मिर्च लगी है जाने की, मेरे पर ज़्यादा ही मिर्च लगी है। माँ जी रुक जाना, ठंड हुए सो था तो मैं अभी छोटा मतलब टाइम भी ज़्यादा हो गया है और छोटा बाबू को कहीं ठंडा ना हो जाए, तो मामा और जा रहे हैं अभी। बाय गोलू, मुंह माटी कर पड़े गाड़ा इधर मुख बाहर है। बाय गोलू बाय, ठंडा हो रहा है बेटा प्रकाश लाना खुशी, देखो बाबू जा रहा है, ऐसे बोलो फिर आना बाबू को, बाय करो जरा खुशी, बाबू को बाय करो, बाबू को बाय कर दो, कर दो बाबू को बाय, देखो बाबू जा रहा है, हाँ बाय कर लियो बाबू, तो ऐसे आया बस 2-3 घंटे के लिए, बस 1-2 दिन रुक जाता तो अच्छा भी लगता है ना, खुशी दोस्ती भी होती थोड़ा है ना, हाँ।
मामी माला तुम यहाँ के लिए रुकाना है ना भाई ना मामी बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं है माला उनको घर ही जाना है अपना काम वोम करेंगे काम वोम देखेंगे तुम क्या दोगे तो ठीक है मामी फिर ठीक है ठीक है ठीक है मोनिका हाँ ठीक है जी मोनिका अरे पैर मत छू यार तू तो सीधे से लग जाए ऐसे लग जा दरवाजा लगा दिया बाय छोटू चल निकल निकल जल्दी बाय मोनिका और भी गए खुशी देखो बाबू चला गया 2 मिनट के लिए आया बाबू है ना मेरे पापा और पापा लगे तेरे वीडियो को देखो दे दे देखा आपकी वीडियो खुशी आशियर में खुशी आशियर में किरण कहां गई किरण यहां आपकी बेटी बोल रही मैं रील्स बनाऊंगी किरण थैंक यू अच्छा क्यों लाडो रील बना रही है लाडो और किरण सो गए इतनी एडिटिंग करो लाडो और किरण अभी रील बनाने में बिजी हो रखे हैं बस अरे यार ये इन्हें भूत बना ही लिया आदित्य बस लाडो इतना ही करो दोस्तों तो हमारे सारे मेहमान भी जा चुके हैं मामी और भी चले गए हैं और डुगू किरण भी अभी जा रहे हैं तो गाइस ब्लॉग को अपना लाइक करते रहें तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें बाय हम चलते हैं तो अभी किरण और डुगू भी जा रहे हैं तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी यहीं करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग जरूर पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ तब तक बाय 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 बस